हेलो दोस्तों, महेंद्र ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर आपको फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि वेबसाइट कैसे बनाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि अपने लिए एक वेबसाइट बनाएंगे वो भी बिल्कुल फ्री में, तो आज की इस वीडियो को देखकर आप बना सकते हैं। कैसे, चलिए हम लोग वीडियो में देख लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे लाइक बटन है उस पर क्लिक करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितना हो सके इस वीडियो को आप फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो आगे और पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज हम गूगल साइट्स का इस्तेमाल करके एक फ्री वेबसाइट कैसे बनाते हैं वही दिखाने वाले हैं। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को स्किप ना करके स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो आप देखेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। तो हम सबसे पहले आपको एक डेमो दिखा देते हैं कि ये वेबसाइट कैसे होगा। तो मैं एक वेबसाइट बनाया है आपको दिखाने के लिए। तो मैं गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं यही है वो वेबसाइट जो मैंने बनाया है। अभी ये बहुत ही सिंपल सा है, मैंने कुछ इसमें काम ज़्यादा नहीं किया है आपको दिखाने के लिए। एक नॉर्मल सा बनाया है, अभी आप देख सकते हैं। ऊपर मेरा जो है वेबसाइट का नाम है, मेरा नाम परवेज दिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं इधर होम, कॉन्टैक्ट आस, ठीक है। उसके बाद अबाउट आस पेज हम लोगों ने ऐड किया है, एक सर्च बटन ऐड किया है। उसके बाद इधर हम लोगों ने कुछ मेरा जो यूट्यूब चैनल का कुछ वीडियो है वो इधर हम लोगों ने पोस्ट किया है, ठीक है। उसके बाद एंड में एक रेड मोर बटन दिया है जहाँ मेरा अपना वेबसाइट का लिंक हमने इधर डाल दिया है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा है, नॉर्मल सा है वेबसाइट। आप इससे भी बेहतर तरीके से बना सकते हैं आज की इस वीडियो को देखकर। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। इस काम के लिए सबसे पहले आपको कोई भी एक वेब ब्राउज़र ओपन करना है। मैं गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र ओपन किया है। तो सिंपली अभी आपको ब्राउज़र में जाकर सर्च करना है गूगल साइट्स, ठीक है। GOOGLE गूगल SIT साइट्स, गूगल साइट्स सर्च करते ही आपके सामने इस तरह रिजल्ट आ जाएगा। आपको एकदम टॉप में मिलेगा गूगल साइट्स साइन इन का, ठीक है। तो इस काम के लिए आपको एक जीमेल अकाउंट की ज़रूरत है। तो अगर आपके पास जीमेल अकाउंट नहीं है तो आप बना लीजिएगा। इसके ऊपर भी हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारे पोस्ट एंड वीडियो कर चुके हैं, ठीक है। ज़्यादातर लोगों के पास जीमेल अकाउंट होता ही है, तो उम्मीद है आपके पास भी होंगे। तो सिंपली आप ये जो ऑप्शन है गूगल साइट्स, इस लिंक पर आप क्लिक कर दीजिएगा तो आपके सामने गूगल साइट्स इस तरह ओपन हो जाएगा। तो मेरे अभी इस जो गूगल अकाउंट है ये ऑटोमेटिकली लॉगिन है। अगर आपके पास ऑटोमेटिक लॉगिन नहीं है तो आप जीमेल, आपका जो जीमेल आईडी है और पासवर्ड है उससे आप इसको लॉगिन कर लीजिएगा। तो लॉगिन करते ही आपके सामने इस तरह एक फ्रेश वेबसाइट, मतलब जो डैशबोर्ड है ओपन हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी एक जो अभी अभी आपको दिखाया है वो वेबसाइट हमने बनाया है, इसलिए इधर एक वेबसाइट ओपन हो रहा है, शो कर रहा है। अगर आपके पास कोई भी वेबसाइट नहीं होगा तो आपके सामने इधर ब्लैंक शो होगा, ठीक है। तो वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो करना होगा, आपको एकदम नीचे देखेंगे कि एक प्लस बटन दिख रहा होगा, क्रिएट न्यू साइट। तो आपको इस बटन पर आपको क्लिक कर देना होगा। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह थोड़ा लोडिंग होगा। लोडिंग होने के बाद आपके सामने इस तरह एक जो वेबसाइट का जो है इंटरफेस आ जाएगा, मतलब वेबसाइट क्रिएट करने के लिए आपके सामने एक पेज आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो यही है जो वेबसाइट क्रिएट करने का पेज। इधर आपको अपना जो जितना कुछ ज़रूरत है वो सब कुछ आपको कस्टमाइज करना होगा खुद से। सब कुछ आपको इधर इनबिल्ट दे रखा है, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं ये जो है ये अनटाइटल्ड साइट है, मतलब इधर आपको अपना साइट का टाइटल देना है। तो ये जो टाइटल होगा ना, ये आपको सिर्फ डैशबोर्ड में देखने के लिए ही होगा, ये आपका साइट का नाम नहीं होगा। मतलब आपका अगर एक से ज़्यादा वेबसाइट होगा तो आप उसको पहचान सकेंगे, इसलिए इधर आपको कोई भी एक नाम देना होगा। तो मैं इधर से नाम दे देता हूँ परवेज साइट 2, ठीक है। मेरा पहले से ही एक है जिसका नाम है परवेज, तो मैंने इसको परवेज साइट 2 दे दिया है, ठीक है, ताकि मुझे पहचान में आए, ठीक है। उसके बाद आपको इधर जो एक ऑप्शन मिल रहा है साइट नेम का, तो यही होगा आपका एड्रेस। तो आप साइट नेम होगा ये, तो इधर आप एक नाम दे दीजिए। इधर आप नाम भी दे सकते हैं, इधर आप लोगो भी दे सकते हैं। तो मैं इधर क्या करता हूँ, मैं दे देता हूँ माई हिंदी ट्रिक्स, माई हिंदी ट्रिक्स साइट, ठीक है। तो मैंने ये दे दिया है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इधर लोगो देंगे तो लोगो भी दे सकते हैं। तो सिंपली लोगो देने के लिए ऐड लोगो पर क्लिक कर दीजिए।
उसके बाद आपको दो ऑप्शन मिल रहा है, एक अपलोड का एक सिलेक्ट का। तो अगर आपके कंप्यूटर में कोई लोगो है तो आप सिंपली अपलोड पर क्लिक कर दीजिए, अगर आपके पास लोगो नहीं है तो आप गूगल पर सर्च करके भी सिलेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करके लोगो सर्च कर सकते हैं। तो मेरे पास पहले से ही है तो मैं इधर से अपलोड पर क्लिक कर देता हूँ। अपलोड पर क्लिक करने के बाद मेरे जिस जगह लोगो है मैं उस ऑप्शन में जाता हूँ, तो मेरे जो फोल्डर में लोगो है मैं उधर जाकर इस लोगो को सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, तो इधर मेरा एक लोगो है, तो सिंपली आप भी इस तरह लोगों को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने इधर लोगों को सिलेक्ट कर लिया है। लोगों सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा टाइम लगेगा आपके इंटरनेट के ऊपर, तो ये देख सकते हैं। और लोगों का जो है फॉर्मेट वो PNG होना चाहिए। ठीक है, अगर PNG नहीं है तो आपका लोगो सपोर्ट नहीं करेगा, तो PNG फॉर्मेट में ही लोगों को आपको करना होगा। तो मेरा लोगो इधर सेट हो चुका है, तो इधर आपको नीचे बैकग्राउंड का ऑप्शन मिल रहा है। अगर आपका लोगो व्हाइट है तो इधर से आप बैकग्राउंड को ब्लैक कर सकते हैं इस तरह। तो मेरा लोगो में एक ब्लैक है, मैं इसलिए इसको व्हाइट ही रख देता हूँ ताकि बेहतर तरीके से समझ आ जाए। ठीक है, उसके बाद आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इधर से आप लोगो कलर थीम भी चेंज कर सकते हैं, अगर आपको लोगो कलर का थीम चेंज करना है तो थीम भी आप चेंज कर सकते हैं, वो हम आपको बाद में दिखाते हैं। तो इधर लोगो सेट हो चुका है। ठीक है, अगर इधर आपको साइट नेम नहीं चाहिए तो आप इसको रिमूव करके, ठीक है, इधर आप कोई भी एक स्लोगन दे सकते हैं, जैसे कि टेक की जानकारी, माई हिंदी टिक्स, टेक की जानकारी मैंने इधर दे दिया है। तो अभी मेरा लोगो सेट हो चुका है। अभी ये जो है ये आपका एक कवर पेज है, जैसे कि आपने देखा होगा कि फेसबुक में एक टाइमलाइन होता है, उसी तरह एक कवर पेज है। इधर भी आप फोटो दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जो है इसको हम लोग चेंज कर देते हैं। तो इधर हम लोग क्या करते हैं, इधर हम लोग दे देते हैं टेक की जानकारी हिंदी में। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, ये हो गया बस। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप सिलेक्ट इस तरह कर सकते हैं, हेडिंग देंगे, साइज वगैरह आप इस तरह सब हेडिंग, तो जो आपको साइज पसंद है वो आप दे सकते हैं। तो मैं इसको हेडिंग कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये मिडिल में आ चुका है। ठीक है, अभी आप इसका जो है फॉन्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, आपको वो भी हम बाद में आपको दिखा देंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि आपको इधर जो बैकग्राउंड में फ़ोटो दिख रहा है, अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो चेंज इमेज पर क्लिक कर दीजिए, उसके बाद आपको दो ऑप्शन मिलेगा, अपलोड का और सिलेक्ट इमेज का। तो अगर आपके पास पहले से कोई फ़ोटो है तो इधर से आप अपलोड कर सकते हैं, अगर आपके पास पहले से कोई फ़ोटो नहीं है तो सिलेक्ट इमेज पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपके सामने इस तरह गूगल में जितने भी फ़ोटो है वो आपको इधर दिखा देगा। तो इधर से आपको जो फ़ोटो पसंद है उस फ़ोटो को आप इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये जो फ़ोटो है इसको मैं चूज कर लेता हूँ, तो ये मेरा सिलेक्ट हो गया है। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं ये एडजस्ट हो रहा है, तो कुछ ही सेकंड के अंदर ये फिट हो जाएगा। तो ये फिट हो गया है। अभी आप देख सकते हैं इधर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है हेडर टाइप का। तो ये इधर अगर आपको कोई भी टाइमलाइन का जो फ़ोटो है नहीं चाहिए तो इधर आप क्लिक कर दीजिएगा, इधर आपका बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि सिंपल कवर का तो ये बड़ा हो जाएगा, लार्ज बैनर का तो ये थोड़ा छोटा होगा, अगर बैनर चाहिए तो ये थोड़ा इस तरह आएगा। उसके बाद टाइटल ओनली, तो अगर आपको कोई फ़ोटो नहीं चाहिए कवर फोटो तो ये सिंपली टाइप, ये जो है सिंपली ये टेक्स्ट शो होगा। तो मैं इधर से बैनर सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये परफेक्ट है। तो ये हो गया हमारा लोगो सेट हो गया, मेरा जो है ये कवर फोटो भी सेट हो गया, टेक्स्ट भी सेट हो गया है। अभी इधर आप देख सकते हैं ये जो है, ये जो अभी मैं माउस का कर्सर कर ले रहा हूँ, ये है मेरा बॉडी। ठीक है, और नीचे आपको एक फुटर का ऐड करने का ऑप्शन भी मिलेगा जो हम आपको बाद में सेट करके दिखाएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं ये इसका काम लगभग हो चुका है। अभी आपको राइट साइड में जाना होगा, तो राइट साइड में आपको इधर देख सकते हैं तीन ऑप्शन मिल रहा है, एक इंसर्ट का, एक पेजेस का और एक थीम का। ठीक है, तो इंसर्ट में आपको बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा होगा, जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स, इमेजेस, ठीक है, एम्ड, उसके बाद फॉर्म ड्राइव। तो ये जो सेम जो चारों ऑप्शन है, या अगर आप इस जगह डबल क्लिक करेंगे तो आपको इस जगह भी देखने को मिल जाएगा। इस तरह देखेंगे, जब भी मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ ये हमको इधर देखने को मिल रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि इधर से भी काम करेंगे तो भी आप कर सकते हैं, जैसे कि मैं इधर से अपलोड करता हूँ कोई यूट्यूब वीडियो, तो सिंपली इधर से मैं अपलोड करूँगा, अपलोड करने के बाद सिंपली मेरा जो कोई वीडियो होगा अगर, तो वीडियो इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको दूसरा कुछ भी चाहिए जैसे कि टेक्स्ट वगैरह, तो आप वो भी क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन हो गया है। अभी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस बॉडी को हम लोग कस्टमाइज करेंगे।
तो आप देख सकते हैं आपको लेआउट्स के अंदर बहुत सारा लेआउट देखने को मिल रहा है। जो लेआउट आपको पसंद है उसको आप सिंपली इस तरह डबल क्लिक करेंगे तो इस तरह ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो इधर आपका ये जो ऑप्शन है, ये इधर आपको एक लेआउट आपको मिल रहा है जिधर आप चार ऑप्शन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, इधर कुछ भी ऐड कर सकते हैं। जब भी आप इस प्लेस बटन पर क्लिक करेंगे, प्लस बटन पर क्लिक करके इधर से आप कोई भी वीडियो या फिर कुछ भी फाइल अपलोड कर सकते हैं, आप कोई भी इमेज अपलोड कर सकते हैं या फिर इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, आप यूट्यूब वीडियो, कैलेंडर, मैप वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं क्या करूँगा, इधर कुछ यूट्यूब वीडियो अपलोड करूँगा आपको दिखाने के लिए। मतलब मैं बेसिकली ये जो वेबसाइट अभी बना रहा हूँ, ये मैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए बना रहा हूँ। तो आप भी अपने यूट्यूब चैनल के लिए इस तरह की वेबसाइट बना सकते हैं। तो सिंपली यूट्यूब पर क्लिक कर देते हैं। यूट्यूब पर क्लिक करने के बाद सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इधर से सर्च करेंगे। तो अपलोड बटन भी इधर दे रखा हुआ है, तो मैं अपलोड में नहीं जाऊंगा, मैं सिंपली यूट्यूब पर सर्च करूंगा माई हिंदी ट्रिक्स। जब भी मैं माई हिंदी ट्रिक्स सर्च करूंगा तो मेरा जो वीडियो है वो इधर आ जाएगा नॉर्मली। तो मैं इधर से रैंडमली कोई भी वीडियो चूज कर लेता हूँ जो आता है, तो वो मेरा वीडियो इधर सिलेक्ट हो गया है, ठीक है। वो इधर एक आ गया है। मैं दूसरा वीडियो चाहता हूँ तो मैं एक एक करके इधर से चारों वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो सिंपली माई हिंदी ट्रिक्स, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ सबसे पहले, तो मेरा फास्ट काम होगा। तो सर्च कर देता हूँ, मैं इधर से दूसरा वीडियो चूज कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को थर्ड वीडियो चूज करना है, सिंपली यूट्यूब, ठीक है। तो आपको इस तरह थोड़ा काम करना होगा। तो मैं चारों को वीडियो को इस तरह सिलेक्ट कर लेता हूँ, सॉरी, ये हो गया। उसके बाद हम लोग फोर्थ नंबर पर जाते हैं, सर्च कर देते हैं। उसके बाद हम लोग इस वीडियो को भी हम लोग इधर से चूज कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे चारों वीडियो हो गया है। अभी अगर इधर कोई टेक्स्ट आप ऐड करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं। अगर आप कोई भी टेक्स्ट या फिर लिंक अपलोड नहीं करना चाहते तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं सिंपली ये जो टेक्स्ट है, इन टेक्स्ट को इधर से डिलीट कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप इसको रख भी सकते हैं। इधर भी आपको नॉर्मल टेक्स्ट, उसके बाद टेक्स्ट के अंदर लिंक वगैरह भी आप डाल सकते हैं, डायरेक्टली इस वीडियो का लिंक भी आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये एक हो गया मेरा फॉर्मेट, ठीक है, नॉर्मल सा। अगर आप चाहते हैं कि इसके इसके नीचे और कुछ ऐड करेंगे तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, इधर मैं कुछ फ़ोटो ऐड कर देता हूँ, तो मुझे ये लेआउट चाहिए, तो मैं इसको सिंपली डबल क्लिक कर देता हूँ। तो डबल क्लिक करते ही ये देखेंगे कि इधर एक लेआउट आ गया है। तो मैं क्या करता हूँ, इधर से एक फ़ोटो चूज कर लेता हूँ मैं सिंपली आपको दिखाने के लिए। तो इधर से सिलेक्ट बटन पर क्लिक कर दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, सर्च पर क्लिक करते हैं। सर्च पर क्लिक करने के बाद एल्बम पर जाते हैं, तो इधर बहुत सारा मेरा फ़ोटो दिख रहा होगा, तो मैं सिंपली इधर से कुछ फ़ोटो चूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो नॉर्मली ये मेरा एक फ़ोटो हो गया, मैं इसको चूज कर लिया। अब देख सकते हैं चूज हो गया है। अभी मैं इधर से क्या करता हूँ, इधर से मैं कुछ अपलोड कर देता हूँ, जैसे कि फ़ोटो ही अपलोड कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए। तो मैं इधर से इस फ़ोटो को चूज कर लेता हूँ, ठीक है। मैं सिंपली आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ ताकि आप एक परफेक्ट तरीके से सभी बटन का इस्तेमाल कर सकें, इसलिए मैं इसको आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इस YouTube को सिलेक्ट कर लिया, फ़ोटो, बस। तो मैंने इधर से इस लेआउट को चूज कर लिया, ठीक है, तो परफेक्ट। अभी देखेंगे कि अगर आप ये अगर नहीं चाहते कोई लेआउट, तो आप साइड में आपको डिलीट बटन दिखेगा, इसको आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपको डुप्लीकेट कुछ चाहिए वो भी कर सकते हैं, आप इसका बैकग्राउंड भी चेंज वगैरह कर सकते हैं। तो इधर आपको दो तीन ऑप्शन इधर आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप नीचे और भी कुछ ऐड करना चाहते हैं वो भी आप इधर से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप अभी मैं आपको फुटर कैसे ऐड करते हैं वो दिखा देते हैं। तो मान लेते हैं हम लोगों ने इस तरह कुछ लेआउट ऐड कर दिया, उसके बाद हमको फुटर चाहिए, तो ऐड फुटर पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद इधर आप जो कुछ भी ऐड करना चाहते हैं इधर से ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग इधर लिख देते हैं वर्ल्ड राइट रिजर्व, तो ये आ गया 2020, ठीक है। तो ये आ गया, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग मिडिल में रख देते हैं, ठीक है। तो ये जो वॉल है इसको सबसे पहले हम लोग बड़ा अक्षर में कर देते हैं। तो ये हो गया है। अगर आप इसमें कोई लिंक ऐड करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। अगर इसको थोड़ा लंबा बड़ा छोटा करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ठीक है, ये हो गया है, ठीक है। तो ये मेरा फुटर हो गया है। अगर नीचे के हिस्से में कुछ आपको ब्लैंक दिख रहा होगा तो ये आप जब इसको आप पब्लिश करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, ठीक है।
तो ये आपका फुटर भी हो गया, ये आपका ये भी हो गया, सब कुछ इधर आपका आ गया है, ठीक है। अगर अभी आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, और जितना भी लेआउट कुछ भी ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों का क्या हो गया, लेआउट का भी हमने सेटिंग्स देख लिया है। अभी देखेंगे नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा, बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि इधर से आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन में है टेबल ऑफ कॉन्टेंट, मतलब मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ। जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे आपको एक टेबल मिलेगा, मतलब आपके इस वेबसाइट में जितने भी पेजेस होगा वो ऑटोमेटिकली दिखाने के लिए शो हो जाएगा, सभी के सभी लिंक इधर आपका शो हो जाएगा, ठीक है। तो वही है टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है। तो हम इसको नहीं चाहते हैं तो इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। उसके बाद आपका जो है, उसके बाद है आपका जो एक इमेज का, मतलब ये जो ऑप्शन है, ये इस ऑप्शन को यूज करके आप इमेज का स्लाइड शो बना सकते हैं, तो मैं आपको वो भी बाद में दिखा देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा बटन का, तो अगर आप चाहते हैं कि किसी जगह बटन ऐड करेंगे तो आप बटन भी ऐड कर सकते हैं। तो जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे तो इंसर्ट बटन का ऑप्शन आ जाएगा, आप इसमें इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि रेड मोर, ठीक है। इधर आप लिंक दे दीजिए माई हिंदी ट्रीज डॉट कॉम, तो ये अब इस इंसर्ट पर क्लिक कर दीजिए तो आपका जो है बटन आ गया है, ठीक है। अभी आप इसको क्या कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं, इस तरह आप इसको लाकर मिडिल में छोड़ सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ये बटन इधर आ गया है, जब भी कोई इस बटन पर क्लिक करेगा तो आपका वेबसाइट ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक ऑप्शन है जिसका नाम है डिवाइडर, तो अगर आप चाहते हैं कि इस सेटिंग से इसको अलग करेंगे तो आप इधर एक डिवाइडर बटन भी ऐड कर सकते हैं। जब भी इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इधर एक डिवाइडर बटन ऐड हो चुका है, तो जब भी आप इसको पब्लिश करेंगे तो आपको ये बेहतर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप इस डिवाइडर बटन का यूज़ कर सकते हैं। यूट्यूब का बटन का पहले ही हम लोग काम देख लिया है, तो अगर आप कोई भी वीडियो यूट्यूब का वीडियो अपलोड करना चाहते हैं तो इधर से आप अपने वेबसाइट में यूट्यूब के वीडियो को आप इधर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कैलेंडर ऐड करना है तो सिंपली आप जिस जगह कैलेंडर ऐड करना चाहते हैं आप उधर से कैलेंडर को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका ऑप्शन है मैप का, तो अगर आप कोई मैप दिखाना चाहते हैं तो आप सिंपली मैप पर क्लिक कर दीजिएगा, उसके बाद अपना लोकेशन सिलेक्ट कर दीजिएगा, तो आपका जो मैप है वो इधर से आ जाएगा। तो सिंपली आप इस तरह क्लिक कर दीजिएगा, उसके बाद जिस जगह मैप को आप दिखाना चाहते हैं वो मैप आपका इधर ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं इधर मैप मेरा आ गया है, ठीक है। तो ये मेरा मैप भी आ गया है, तो इस तरह आप मैप को ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट से, अगर आप कोई डॉक्यूमेंट ऐड करना चाहते हैं, कोई फाइल वगैरह, तो आप उसको भी इस जगह या किसी भी पेज में जाकर भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। जैसे गूगल शीट है, फॉर्म है, चार्ट है, ये सब कुछ आप ऐड कर सकते हैं इसी के अंदर, जो आपके ज़रूरत के ऊपर निर्भर करेगा। तो आप इन सब बटन को उस हिसाब के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया इंसर्ट बटन का काम। तो इंसर्ट बटन में आपको ये सब कुछ मिल रहा है इस वेबसाइट को थोड़ा बहुत बॉडी को, फुटर को कस्टमाइज करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको जाना होगा पेजेस में, तो पेजेस में आपको क्या मिलेगा, जैसे कि होता है ना ऊपर आप देखेंगे कि होम बटन होता है, अबाउट आस पेज, कॉन्टैक्ट आस पेज, प्राइवेसी पॉलिसी पेज, ठीक है। ये सारे के सारे जो पेज होता है वो पेज आप इधर से ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो पेज ऐड करने के लिए आप देख सकते हैं पहले से ही होम बटन है, आपको अभी ये शो नहीं कर रहा है, लेकिन जब भी आप क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे तो ये शो हो जाएगा, साथ ही जो बटन आप अप्लाई करेंगे वो भी ऐड हो जाएगा। तो पेजेस बनाने के लिए सिंपली आपको क्रिएट न्यू पेज पर क्लिक करना है, उसके बाद इधर जो पेज आप देना चाहते हैं अबाउट अबाउट आस, ठीक है। उसके बाद इधर आप देखेंगे कि आपको एडवांस, मतलब आप दूसरा भी कोई ऑप्शन इधर ऐड कर सकते हैं, तो मैंने इधर से ऐड कर दिया। जब भी आप डन करेंगे तो ऑटोमेटिकली देखेंगे होम बटन आ गया है, अभी देखेंगे कि आपका अबाउट जो अबाउट अस पेज है वो भी इधर देख सकेंगे ऐड हो चुका है, ठीक है। अगर आप और कोई पेजेस आपको चाहिए तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो सिंपली इधर मैंने क्या करता हूँ, मैं कॉन्टैक्ट अस पेज भी ऐड कर देता हूँ, तो जब भी आप डन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका कॉन्टैक्ट अस पेज भी इधर क्रिएट हो जाएगा। आप देखेंगे थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, उसके अंदर ऑटोमेटिकली देखेंगे कि ये कॉन्टैक्ट अस पेज भी क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो अभी आपको शायद कोई सवाल आ रहा है कि जब भी हम लोग कॉन्टैक्ट अस पेज क्रिएट कर रहे हैं तो इधर भी ये चेंज हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, जब भी एबाउट पे जाएंगे तो एबाउट में भी ये आएगा। तो आप सिंपली इसको सेम जो आपका नाम होम पेज में है, अगर आप चाहते हैं कि हर एक पेज में वो हो तो आप उसको एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, जब भी कोई पेज क्रिएट करेंगे ना वो ब्लैंक होगा, मतलब जो भी पेज आप लेंगे उस पेज के बॉडी में आप अपने बारे में या फिर सब कुछ अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट अस पेज में आप क्या कर सकते हैं, आपको कॉन्टैक्ट करने के लिए आप इधर से फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि इंसर्ट पे जाएंगे तो इधर आपको एक फॉर्म मिलेगा, इस फॉर्म को आप इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। तो आपका जो है कॉन्टैक्ट अस पेज इधर से देखेंगे, मैं सिंपली आपको दिखाने के लिए करते हूँ, तो
तो सिंपली इधर देखेंगे ये आ गया है, ठीक है। तो इस तरह आप कॉन्टैक्ट अस पेज में ना ये जो इस तरह फॉर्म ऐड कर सकते हैं, ताकि क्या होगा कोई भी आपके साथ कांटेक्ट कर पाएगा इस तरह। तो मैंने इधर कस्टमाइज नहीं किया है, तो आप इस एक फॉर्म इधर बनाकर फॉर्म को आप अपलोड कर देंगे इस जगह, तो क्या क्या होगा कोई भी आपको इस फॉर्म के जरिए कांटेक्ट कर पाएगा। तो इस तरह आप इस कांटेक्ट पेज में अपना कांटेक्ट नंबर वगैरह, ईमेल एड्रेस वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। और अबाउट में क्या कर सकते हैं, अबाउट में आप इधर से टेक्स्ट सिलेक्ट करके आप सिंपली कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। या फिर डबल क्लिक करके आप टेक्स्ट में क्लिक करके आप अपने बारे में, कुछ भी लिख सकते हैं, जितना मर्जी आप लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि फ़ोटो वगैरह भी ऐड करेंगे, तो आप सिंपली डबल क्लिक कर दीजिएगा, इधर से आप फ़ोटो सिलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद आप फ़ोटो को भी अपलोड कर पाएंगे इस जगह, ठीक है। तो ये हो गया आपका अबाउट आस पेज, ठीक है। तो हम लोग होम पेज में जाते हैं, तो आपको पेजेस का बटन भी समझ में आ गया है। अगर आपको कोई पेजेस डिलीट करना है तो आप इधर से डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप अपना जो है पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आता है थीम बटन का। तो जब भी आप थीम पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारा थीम इधर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बहुत सारा कलर भी मिलेगा, जो कलर आपको पसंद है वो कलर भी आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो फॉन्ट स्टाइल है, फॉन्ट स्टाइल को आप भी चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये जो फॉन्ट है ये चेंज हो रहा है, ठीक है। क्लासिक, हैवी, इधर आपको तीन ऑप्शन मिल रहा है, तो जो आपको पसंद है उस फॉन्ट को आप इधर से चूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे अलग अलग स्टाइल मिल रहा है फॉन्ट का, जैसे कि अगर ये आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा, अगर ये सिलेक्ट करेंगे तो ये देखने को मिलेगा, ठीक है, अगर ये सिलेक्ट करेंगे तो ये देखने को मिलेगा। तो जो आपको जो स्टाइल आपको पसंद है उस स्टाइल को आप चूज कर सकते हैं, आप देख सकते हैं इस तरह, ठीक है। नीचे जो आप कलर है, कलर वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं, तो जो आपको चाहिए वो आप इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, तो इसका काम, थीम का काम कुछ यही है, इस तरह आप थीम को चेंज कर सकते हैं। तो हो गया आपका पेज, ठीक है, आपका पेज हो गया, आपका लोगो ऐड हो गया, आपका कवर फोटो ऐड हो गया, कैसे लेआउट सेट कर सकते हैं बॉडी में वो भी आपने देख लिया, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोई बटन सेट करना है वो भी आपने देख लिया, अगर आपको कोई मैप, कैलेंडर वगैरह सेट करना है वो भी आपने देख लिया, फुटर कैसे ऐड करता है वो भी आपने देख लिया है, ठीक है। तो इसी तरह आप अपना वेबसाइट को सिंपली एक सिंपल तरीके से अपने यूट्यूब के लिए आप बना सकते हैं, या फिर अपने खुद के नाम का कोई पोर्टफोलियो पेज अगर आपको बनाना है, अपने बारे में कुछ आप डिटेल्स डालना चाहते हैं, तो आप एक पोर्टफोलियो पेज भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आप जब कंप्लीट बन जाएगा तो आप इसका क्या कर सकते हैं, इस वेबसाइट का एक प्रीव्यू देख सकते हैं। तो ये वेबसाइट देखने में कैसा होगा वो आप चेक करने के लिए आपको इधर एक बटन दिख रहा होगा प्रीव्यू का, ठीक है, ऊपर। तो जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है एक प्रीव्यू पेज खुल जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं आपका वेबसाइट कुछ इस तरह देखने को आपको मिलेगा, मतलब लोग जब आपका वेबसाइट को ओपन करेंगे तब आप उसके सामने कुछ इस तरह का ये वेबसाइट ओपन होगा। तो बहुत ही बढ़िया देखने को मिल रहा है, नीचे फुटर शो हो रहा है, हमने मैप सिलेक्ट किया है, रेड बटन शो किया है, उसके बाद कुछ फ़ोटो दिया है, उसके बाद हमारा यूट्यूब का कुछ वीडियो इधर अपलोड कर दिया है, और ये मेरा वेबसाइट का लोगो वगैरह, ठीक है। तो परफेक्ट तरीके से ये आ गया है। मैं सिंपली आपको दिखाने के लिए ये छोटा मोटा एक कस्टमाइज किया है। आप अगर और भी ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आप इसके अंदर और भी जो बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे, और इस वेबसाइट को आप प्रोफेशनल लुक दे पाएंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे इधर आपको एक सर्च बटन भी दिख रहा होगा, जो आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा, ठीक है। अगर आप देख सकते हैं कि इसको, अगर आप मोबाइल फ्रेंडली ये वेबसाइट है या नहीं, तो चेक करने के लिए जब भी आप मोबाइल पर क्लिक करेंगे तो आपको वेबसाइट मोबाइल में देखने को ऐसे मिलेगा, आप अगर टैबलेट यूज करते हैं तो टैबलेट में देखने को ऐसे मिलेगा, मतलब कोई अगर टैबलेट से आपको वेबसाइट ओपन करेंगे तो उसको इस तरह दिखेगा, लैपटॉप से इस तरह दिखेगा, ठीक है। तो सब कुछ आपको इधर देखने को मिलेगा। तो जब इसको आप, अभी आपका जो है वेबसाइट अगर आपको परफेक्ट लगता है कि आपको वेबसाइट लगभग कंप्लीट हो चुका है, तो आप इसको सेव कर सकते हैं, मतलब पब्लिश कर सकते हैं लोगों के लिए। कोई भी अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप देख, वो लोग आपका वेबसाइट देख पाएगा, क्योंकि गूगल में ये सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ सेटिंग्स था जो हम आपको दिखा दिया है इस वेबसाइट के बनाने के लिए। तो सिंपली वेबसाइट को बनाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली इस इंसर्ट बटन लोगों का इस्तेमाल करना है, ठीक है, लेआउट का इस्तेमाल करना है, और इन सारे के सारे बटन का इस्तेमाल करना है, और आपको ये पेजेस और थीम का, ठीक है, इन सभी ऑप्शन को अगर आप परफेक्ट तरीके से कॉम्बिन करेंगे तो आपका एक जो है बेस्ट वेबसाइट, बेस्ट लुक वेबसाइट आपको मिल जाएगा, ठीक
ठीक है। तो अभी बारी आता है कि इस वेबसाइट को पब्लिश करने का, ठीक है। तो पब्लिश करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली देखेंगे कि इधर एक आपको पब्लिश बटन दिख रहा होगा, आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे तो इधर आपका जो वेब एड्रेस है वो आपको देना होगा। तो आपका जो ये वेबसाइट है, वेबसाइट का URL कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो है https://site.google.com/view/tech की जानकारी, तो ये है आपका एड्रेस, ठीक है। तो यही होगा आपका एड्रेस, मतलब कोई भी अगर वेबसाइट को ओपन करेंगे तो उसके सामने इस तरह का लिंक ओपन होगा, जैसे कि google.com ओपन होता है, myhindi.com ओपन होता है, उस तरह नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका वेबसाइट में भी .com हो, जैसे कि google.com, myhindi.com, जस्ट टेक की जानकारी .com, तो उसके लिए आपको इधर से कस्टम URL का ऑप्शन मिल रहा है। जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे मैनेज बटन पर, तो आपको .com देखेंगे, yourdomain.com, मतलब आपको डोमेन खरीदने का ऑप्शन मिल जाएगा, जहां से आपको पैसा देकर डोमेन खरीदना होगा, .com, .in, .net, जो आप चाहते हैं वो आपको खरीदना होगा, जिसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप बता दीजिएगा नीचे कमेंट करके, मैं उसके बारे में भी आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि वो भी एक लंबा प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद आप नीचे से देख सकते हैं हु कैन व्यू माई साइट, मतलब आपका वेबसाइट कौन कौन देखेगा, इधर से आप सिलेक्ट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली, इधर एनी वन सिलेक्ट होगा। मैनेज बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इधर कुछ ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसे कि आप सिंपली इसको ड्राफ्ट में सेव कर सकते हैं, पब्लिश एनी वन भी कर सकते हैं। फिलहाल तो मैं सब कुछ मेरा ठीक ठाक है, मैं इधर से डन बटन पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद एक ऑप्शन मिल रहा होगा आपको, इस तरह देखेंगे सर्च सेटिंग्स, तो रिक्वेस्ट पब्लिक सर्च इंजिन टू नॉट डिस्प्ले माई साइट। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका साइट गूगल में ना दिखे तो आप इसको चेक मार्क कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा वेबसाइट गूगल में शो करे, लोग सर्च करे तो मेरा वेबसाइट उसको देखने को मिले। तो आप भी इसको चेकमार्क मत कीजिए। उसके बाद सिंपली आपको पब्लिश बटन पर क्लिक कर देना है। जब भी पब्लिश बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका ये जो है वेबसाइट है ये पब्लिश हो जाएगा कुछ ही सेकंड के अंदर। तो अभी आप देख सकते हैं आपका वेबसाइट पब्लिक हो गया है। अभी आप पब्लिश के बटन के बगल में जो एरो बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको व्यू पब्लिश साइट पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने आपका वेबसाइट हाजिर हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं आपका वेबसाइट इस तरह लाइव हो चुका है, और कोई भी किसी अपने दोस्तों के साथ आप ये जो है आपका site.google.com/view/tech की जानकारी, मतलब इधर आपका भी आपका जो वेबसाइट लिंक नाम होगा वो आपको देना होगा। तो किसी को भी आप इस लिंक को कॉपी करके व्हाट्सएप फेसबुक पर दे देंगे तो वो आपका ये साइट व्यू कर पाएगा, विजिट कर पाएगा, ठीक है। अगर आप इस साइट मतलब इतना लंबा साइट को अगर आप रिमूव करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दिया कि आपको डोमेन खरीदना होगा, जिसके लिए आपको पैसा पे करना होगा। तो अगर आपको भी चाहिए domain.com डोमेन, तो आप बता दीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी अलग सा एक वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपने आज की इस वीडियो को देखकर सीख लिया है कि एक फ्री में वेबसाइट कैसे बनाते हैं और उसको गूगल में पब्लिश कैसे करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको कोई भी सवाल है इस वेबसाइट को बनाने के ऊपर तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता सकते हैं अपना सवाल। और दोस्तों अगर आपको इस तरह का वीडियो आगे और चाहिए तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, और हाँ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।